यार पहनने के लिए कपड़े नहीं है यार, नंगा नंगा होके वीडियो शूट करना पड़ रहा है। अब तो कर दो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्या जाता है यार तुम्हारा। अब तो एक ही जोड़ी कपड़े बचे हैं यार, वो भी फटे हुए। कर दो यार कर दो। हे चीकोज, मैथ्स योगी, आज हम लोग जो है वापस जाने वाले हैं कुछ डोरेमोन की गांड में से हार डाल के। आज हम लोग गैजेट निकालने वाले हैं और हम लोग टाइम में वापस जाने वाले हैं, थोड़ी सी कुछ मेमोरीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं मेरी। ऑब्वियसली तुम लोग को पता है ना स्कूल में कैसा होता है। एक्चुअली ये बहुत ही मतलब अनफेयर चीज़ होती है, तुम लोगों को पता है हमारे साथ, कि जो बेस्ट मोमेंट्स होते हैं तुम्हारे वो तुम्हें जीने को ही नहीं मिलते, एंड जब वो चले जाते हैं तब तुम्हें रियलाइज करवाया जाता है कि यार वो तुम्हारे बेस्ट मोमेंट थे और तुमने उसकी ऐसी ही गांड मार ली और अब तुम बैठ के रोते रहो हमेशा। चाहे कितने भी स्टेटस डाल लो इंस्टाग्राम पे, दोस्तों को टैग कर लो कोई भी पोस्ट या रील पे, वो मोमेंट्स वापस नहीं आने वाले। एंड काश अगर ये चीज़ पहले से पता चल गई होती, मैं माँ कसम एक दिन भी एब्सेंट नहीं मारता। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को स्कूल से इतनी ज़्यादा हेट थी जब मैं स्कूल में था। एंड मैं कहता हूँ कि यार स्कूल जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, सच बताऊँ। मैं सच बता रहा हूँ, जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं, अगर आप स्कूल जाते हो तुम लोग अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हो। अगर सच बताऊँ तुम्हें, मेरे को जेल जैसी लगती थी यार ये जगह, मगर वो एक्चुअली जेल नहीं, वो हेवन थी। जब मन चाहे तब क्रश को देखने को मिलता था। ये मेरा पॉइंट नहीं था, बट क्योंकि अब देखो स्कूल में अपने दोस्त के बाजू में बैठना किसको अच्छा नहीं लगता। ऑफ कोर्स तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन वो इसी टीचर को नहीं चाहिए ना, क्योंकि टीचर वही टीचर इसीलिए तो है। अब हमारी क्लास में लड़कियां कम थी, अब कुछ बच्चे ऐसे थे जो लड़कियों को भी नहीं छोड़ते थे, उनके साथ भी चालू हो जाते थे कोई भी पीरियड में कोई भी टाइम पे। मैं कॉन्टेक्स्ट देना भूल गया, मैं बात की बात कर रहा था, मतलब बातें करना चालू कर देते थे कोई भी टाइम पे कोई भी पीरियड में, कुछ गलत मत समझ लेना। तो मैं भी उसी बच्चों में से एक था जिसको अकेले ही बैठना पड़ता था। मैं स्कूल में भी सिंगल ही था। तो बहुत ही तुम लोग को पता रोज़ होती है, मतलब एक दो तीन और चार, हमारे एक क्लास में चार रोज़ होती थी। एंड एक बेंच पे दो बच्चे बैठते थे, तो हमारे टीचर वही चीज़ करती थी, जगह नहीं चेंज करती, पूरी रॉ ही चेंज कर देती थी। तो जब भी ऐसा लगता है ना कि तुम अगर देखो, मेरे को बहुत ज़्यादा चुल थी विंडो सीट की, क्योंकि मेरे को एक्चुअली में जब भी मैं बोर हो रहा था तभी मैं बाहर देखने लग जाता हूँ। ऑफकोर्स उसके बाद टीचर पकड़ के मेरी गांड मारती थी। इवन टीचर्स जो कि टीचर, मतलब मैं फीमेल टीचर की बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स उन लोग को साधन चाहिए गांड मारने के, वो उन लोग के पास नहीं होता क्योंकि वो फीमेल है, बट स्टिल वो मारती थी, वही उन लोग की स्पेशलिटी थी। जब भी वो तुम्हारी रोज चेंज करवाती थी ना, तो ऐसा लगता है मैं लिटरली दूसरे मोहल्ले में रहने आ गया। जब भी चल के जा रहा होता हूँ तो बंदे मेरे को ऐसे देख रहे थे, मतलब उन लोग की रबर पेंसिल मैंने ही चोरी कर ली रिसेस के टाइम पे। भरोसा करो यार, मैं ऐसा नहीं करता था यार। तुमको लगता है तुम्हारा भाई ऐसा करेगा? इतना मासूम सा बच्चा हूँ मैं यार। वो लाइन में बैठने वाले बच्चे तो छींक भी यार डैब मार के खाते थे। मेरे को एक्चुअल छींक आने तक की वेट करनी पड़ी यार, गॉड डैम इट। फिर जब मैम हिस्ट्री पढ़ाती थी, अब मेरे को हिस्ट्री पढ़ना जो है पहले पहले के स्टैंडर्ड से 1 से 5, मतलब उसमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि तब सर लेते थे हिस्ट्री का पीरियड। फिर 5 से 10 तक यार टीचर ने लेना चालू कर दिया, मतलब फीमेल टीचर ने जो भी चीज़ है, तो तब बहुत ही मज़ा आने लग गया। फिर मैं कभी भी बोर नहीं हुआ और मैं जानबूझ के फ्रंट रो में जाके बैठता था ताकि एकदम क्लाइमेक्स एकदम प्रॉपर दिखे 4K HD में। और टीचर के फीचर्स भी बहुत ही हाई थे एक्चुअली, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट मॉडल था वो, एंड एकदम प्रॉपर अपग्रेडेड था, जो भी सॉफ्टवेयर था एकदम अप टू डेट एकदम। मैं जो है जानबूझ के शैतानी करता था ताकि वो जो है
मेरे को पास बुला ले मतलब उनके। तो हाँ, ये एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी थी मेरी। तो जो भी मतलब जैसे कोई चैप्टर पढ़ा रही थी टीचर, तो अंडरलाइन करवाते हैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मैंने सबसे ज़्यादा अंडरलाइन करी हुई चीज़ें पढ़ी भी थी, लेकिन एक भी बार वो चीज़ पूछी ही गई नहीं, मतलब कभी भी पेपर्स में कभी भी नहीं आए वो, पता नहीं क्यों। एंड पता नहीं टीचर ने क्या खा के क्या नशे में बोलती थी वो कि ये आएगा पेपर में। मैं एक ऐसा बच्चा था जो बिना पढ़े ही पास हो जाता था, क्योंकि मैं शायद से मैं पहले अच्छा था यार। मैं सीनियर किंडरगार्टन, जूनियर किंडरगार्टन, मेरा लिटरली दूसरा नंबर आया था एक बार। जो बंदे ने टॉप किया ना 10th और 12th में, इस टाइम पे मैं उसको टक्कर दे रहा था पहले। सच बताऊँ तो मेरे को पता नहीं मैं कैसे बिगड़ गया यार। मेरे को क्या हो गया, मेरे मार्क्स कम होते गए, मैं चूतिया होता गया पढ़ाई में। मतलब क्या होने लग गया मेरे को, फिर पहली में दूसरी में मार्क्स कम ही होते गए। वो जो बार है ना, मतलब वो नीचे गिरता गया, कभी ऊपर आया ही नहीं। मेरे को अब भी यार ये मिस्ट्री मेरे को अब भी मेरे दिमाग में सॉल्व नहीं हुई कि मैं एक्चुअली बुरा हुआ कैसे पढ़ाई में। मैं ट्यूशन भी जाता, बहुत ही बकचोदी कर करके जाता ट्यूशन। वो बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है, क्लाइमेक्स वाली है, क्लिफ हैंगर वाली, तो इसमें मैं कवर नहीं कर सकता। ट्यूशन भी शायद से मैं 6th या 7th तक गया था, फिर मैंने बंद। और वो भी पढ़ने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि ऑफकोर्स मैं बकचोदी ही कर रहा था वहाँ पे भी, एंड माँ बाप के पैसे खा रहा था, एकदम मज़े कर रहा था, अभी भी खा रहा हूँ। तो आई थिंक मैंने पढ़ना छोड़ दिया था क्लास 4th या 3rd से। एंड मैं आई स्वेयर टू गॉड, मैंने एक भी बार पढ़ाई नहीं करी। मैं जो फाइनल एग्जामिनेशन के पहले दिन गेम्स खेलता था मोबाइल में, मैं एकदम प्रोफेशनल गेमर बन चुका था मैं शायद से। काश मैंने तभी मैंने यूट्यूब चालू कर दिया होता, काश। 10वीं में जो है मतलब हाँ, थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट पे पास हो गया था, थोड़ी सी गांड बचा ली थी टीचर्स ने, जो भी जिन लोगों ने चेक किया। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, ये लोग तोहफा कबूल करो पीछे वाला। तो 10वीं का जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे मेरे, मतलब उसमें भी मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं लिटरली पबजी खेला था भाई तब। तो मेरी मम्मी रोज़ बेहोश होती थी हर एक एग्ज़ाम के पहले कि क्या होगा इसका। मैं जीनियस हूँ यार, हम लोग लेजेंड्स हैं। जो बिना पढ़े, मैं जो लेजेंड्स होते हैं ना, जो ये बोलते हैं कि बस 1 ही घंटे पढ़ो एग्ज़ाम के पहले, 1 घंटे पढ़ लो, मैं वो भी नहीं करता था। मैं भाई तुम पास होके दिखा दो भाई हम। और मेरा जिस स्कूल में नंबर आया था ना, मेरी आजूबाजू सारी सभी लड़कियां थी। एंड मैं इतना शाय था कि मैं बोल भी नहीं सकता था। एंड कोई टीचर चूतिया नहीं होगा जो कि तुम्हें चोरी करने देगा। इवन वो प्राइवेट स्कूल्स थे, गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं थे। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हमारे यहाँ पे जितना मैंने सुना है कि थोड़ी सी छूट देते हैं, मतलब छूट बोला है, ठीक है, छूट, चू नहीं है, छू है। तो मैंने चोरी भी नहीं की। इनफैक्ट मैंने कोई भी एग्ज़ाम में चोरी नहीं करी यार। मैं मेरे खानदान में, इवन मेरे मोहल्ले में एक ही ऐसा बच्चा होऊंगा जो बिना पढ़े बिना चोरी किए पास होता गया होता गया। 11th में भी मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। 11th में तो मेरे को सब्जेक्ट भी नहीं पता कि कौन कौन से सब्जेक्ट थे। मैंने एक्चुअली आर्ट्स ली थी। एंड अगर मैं कॉमर्स ले लेता तो मेरी गांड एकदम ही बच जाती कोरोना की वजह से। तो 8th तो मैंने पास कर दी, 12th तो कोरोना की वजह से। मेरे को अब तक डाउट है कि मैं कैसे फेल नहीं हुआ, सच बताऊँ तो। पर हाँ, इट वॉज़ फन। बहुत ही ऐसे टीचर्स हैं जो कुछ बच्चों के थ्रू जानने को मिलता है कि मेरे को याद करते थे। तो हाँ, मैं भी उन लोग से मिलना चाहूँगा, अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं व्लॉग बनाऊँगा, वहाँ जाके मिलूँगा टीचर्स से। कुछ टीचर्स के तो मुँह, उन लोग के नाम मेरे को अभी भी याद है। मैं सच में यार, वो चीज़ कैसे भूल सकते हो तुम। वो लिटरली हेवन था यार, मतलब। लेकिन खैर, अब वो दिन तो बीत गए, अब वो वापस आने नहीं वाले। मैं सच में कह रहा हूँ, अगर तुम अभी भी स्कूल में हो यार, तुम सच में एक बार जियो यार। मतलब तुम चाहे मत पढ़ो जाके, पर जाओ स्कूल, मैं बोल रहा हूँ। उससे अच्छी जगह नहीं है कहीं पे भी। इवन मैं स्कूल में बुलीड किड था, क्योंकि तब मैं चूतिया था यार, सच बताऊँ तो। अब मैं नहीं हूँ, क्योंकि अब तो मैं गांड मार लेता हूँ। ऑलराइट चीकोज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। कहानी बहुत ही ज़्यादा अधूरी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है, तो मैं आगे सुनाता जाऊँगा। एंड मेरे को नहीं पता है कौन सा एपिसोड है स्टोरी टाइम का, बट तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आप लोग के दिन मेरे को बताओ, आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा था स्कूल का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, मैंने बोला ना, थोड़ी सी चौड़ बढ़ जाती है यार। एंड एटलीस्ट टी शर्ट आ जाएगी मेरे पास पहनने के लिए, एंड खाना भी अगर तुम करवाओगे तो। और हाँ, मेरी दूसरी वीडियोज़ भी चेकआउट नहीं करी तो कर लेना। बहुत ही, मैं बोलता हूँ ना यार, मतलब लेजिट
सबसे ओरिजिनल कंटेंट तुम लोगों को देखने को मिलेगा, मैं स्वेयर, आई स्वेयर टू गॉड यार, सच बताऊं तुम्हें। देखो बस एक बार देखो आप, यहाँ तक वीडियो देखिए बिना स्किप किए। तो ये रहा आपके लिए हाई फाइव, थैंक यू सो मच, एंड मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, टाटा। He's got the eyes, got the